दोस्तों, स्क्रीन पर आप एक वीडियो देख रहे होंगे। ये वीडियो टिकटॉक पर बहुत वायरल हो रही है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप इस तरह का वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो सिंपली आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है और यहाँ मीडिया पे जाके आपको एक बैकग्राउंड लेना है। ब्लैक कलर का आप एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लें। इसके बाद दोस्तों, इस बैकग्राउंड की जो लेंथ है आपको कम से कम 10 से 12 सेकेंड तक कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों, इसे शुरू से कर लेना है। लेयर के ऑप्शन में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से आपको एक वीडियो लेनी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर हमें इसे फुल स्क्रीन मोड में कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों, हम वीडियो को थोड़ा आगे करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही हमें ग्रीन कलर का पेज दिखता है, यहाँ पर हमें रुक जाना है और वीडियो की लेयर में क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और इसे ओपन कर देना है, इनेबल कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको की कलर दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ रिंग वाले ऑप्शन में क्लिक करके जो इसका कलर है ग्रीन कर देना है, जो कि वीडियो का पेज था पूरा उसी कलर का कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा पेज है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, अब हमें ऐड करना है टेक्स्ट। तो यहाँ पर दोस्तों, लेयर पे जाते हैं और यहाँ टेक्स्ट पे जाके हम यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट लिख देते हैं जो भी हमें लिखना है और उसके बाद ओके कर देते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ हमें फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लें अपने मनपसंद का। और उसके बाद यहाँ पर ये फ़ॉन्ट आ जाएगा। तो इसे जूम करना है दोस्तों और इस ब्लैक कलर वाले पेज में सेट करना है। तो हम थोड़ा सा वीडियो को आगे कर लेते हैं और इस फ़ॉन्ट को पूरा इस ब्लैक कलर के फ्रेम में सेट कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रेम सेट हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों, आपको ये शेडो का ऑप्शन है, ग्लो का ऑप्शन है, आउटलाइन का ऑप्शन है, इसे आप इनेबल कर सकते हैं अच्छा इफेक्ट देने के लिए। शेडो में ब्लैक कलर है तो यहाँ क्लिक करके यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, शेडो का जो कलर है आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। और कलर देने के बाद दोस्तों, सिंपली ओके कर लेना है। तो यहाँ पर आपका देखिए शेडो जो है आ गया है पर्पल कलर में। अब दोस्तों, हमें टेक्स्ट वाले लेयर में क्लिक करना है और यहाँ इन एनिमेशन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करके फर्स्ट नंबर की एनिमेशन हमें दे देना है। इसकी टाइमिंग को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, 1.5 सेकंड तक कर देते हैं। तो अभी हमारी जो वीडियो है वो बन के तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हम आपको प्ले करके दिखा देते हैं। तो कुछ इस तरह से वीडियो हमारी बन गई है। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको जो वीडियो के लास्ट में एक्स्ट्रा पोर्शन है तो उसे हमें ट्रिम करना है। तो जल्दी से हम इसे पहले ट्रिम कर लेते हैं। तो कैंची के ऑप्शन पे जाना है और इसे ट्रिम कर लेना है। ट्रिम करने के बाद दोस्तों, यहाँ शेयर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है और इसे स्पोर्ट कर लेना है।